कहाँ पर पढ़ती थी, उसके साथ किस व्यक्ति ने क्या हरकत की है? आवाज विकास गुलजारे फातिमा में पढ़ती थी, वहाँ के कारी है जावेद। उन्होंने सुबह मेरे पास कॉल की कल और कहा कि बैंक का कुछ काम है और कुछ पेपर उसके बनवाने, कुछ किताबों की लिस्ट बनवानी है। 15 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, तो हमने मना भी किया और अगर उन्होंने इतना प्रेशर डाला है, हमने कहा अपनी बच्ची को ऐसे अकेले नहीं भेजेंगे, तो खुद लेने के लिए आए। और 2 घंटे के बाद जब बच्ची मेरी रोती भी आई, तब हम यहाँ पे आए। और उसके साथ उनकी ये कहेंगी वो आपदा इस्लाम वो भी मिली भी है और उनकी लड़की है सीबा वो भी है। हम ये चाहते हैं कि मदरसा सील हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। किस तरह की सजा चाहती है, क्या मिले? फांसी मिलनी चाहिए। इसके पहले कभी कोई शिकायत या बच्ची ने बताया कि पहले कभी हरकत इस तरीके करता था? ये अश्लील बातें बच्चियों से करते थे, जिसकी बच्चियां डर के शिकायत नहीं करती थी घरों पे कि मम्मी कहेंगी कि मदरसे में हाफिजी पे इल्जाम लगा रही है। लेकिन आज की जो हरकत है वो बहुत घिनौनी है और घूस दी जा रही है यहाँ पे। पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया, आप किस बात की? सर छूटना नहीं चाहिए, बस हम इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं सरकार से और सबसे निवेदन करते हैं कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और मदरसा सील होना चाहिए। वो कह रहा आपने उसकी बच्ची से शादी किया है, कह दीजिए आप हमें पेपर दिखाइए, निकाह के कागज लाइए, काजी लाइए, गवाह लाइए। हमारे पास तो 1000 तरह के गवाह, 1000 कागज है, आप अपना एक गवाह लेके आइए। हमारा दिमाग खराब हो गया कि हम 40 साल के बुड्ढे से 15 साल की बेटी का निकाह कर देंगे? हमें कानून नहीं मालूम है कि हम नाबालिग बच्ची का निकाह करेंगे? मदरसे में रेत के मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है? ये नौबस्ता थाना क्षेत्र के में यहाँ पर गुलशन फातिमा नाम का मदरसा है, जिसमें यहाँ पर जो ये पढ़ाने वाले मौलवी थे, उन्होंने यहीं पर अध्ययन कर रही जो उनकी स्टूडेंट थी उसके साथ एक रेप की घटना की सूचना मिली है, जिस पर कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और मेडिकल कराया जा रहा है। बाकी अन्य औपचारिकताएँ से कराई जा रही हैं, साक्ष समेत किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि चूँकि बच्ची एक पॉक्सो एक्ट के तहत, ये बच्ची माइनर है, पॉक्सो एक्ट के तहत इसका ट्रायल होगा, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आवश्यक सभी साक्ष संकलित करके और फास्ट कोर्ट में डाल करके इसमें बहुत जल्दी सजा दिलवाई जाए और पूरी कार्रवाई की जाए। पूछताछ के दौरान आरोपी जो है वो क्या बता रहा है, कि उसने क्या बताया पुलिस को? आरोपी ने भी कन्फेस किया है, आरोपी अपना एक कुछ एलिबाई जो फेक और वैसे ही एलिबाई दे रहे हैं। शेष योजना का विषय है, गैरेज से शामिल की जा रही है, पूरा हम लोग कई टीमें बना करके उसके जितनी भी औपचारिकताएँ हैं, मेडिकल है, यहाँ पे फॉरेंसिक की चीज़ों का कलेक्शन है, सर्कमस्टेंशियल साक्ष्य है, ओरल साक्ष्य है, इन सबको लेकर के हम लोग बहुत जल्दी इसमें जांच निकाल करके इसमें कार्रवाई करेंगे। परिजनों ने 2 और लोगों पर आरोप लगाया था, जो टीचर यहाँ पर मौजूद थी, उनकी क्या भूमिका पाई गई? हाँ, उनकी भूमिका कोई वैसी नहीं, वो चूँकि उनमें से एक माँ है और एक बच्ची है, यहाँ पढ़ाती थी, तो उनकी कोई भूमिका अभी तक कोई बहुत ज़्यादा नहीं पाई गई। फिर भी जांच का विषय है, कोई अगर ऐसी पाई जाएगी तो उनकी भूमिका रहेगी।